मम्मी यानी मैंने तब तब आ रहा था तो मम्मी से कहा कि चले, मम्मी ने शर्त रखी, कहा दूध रखो तभी चलेंगे, तब दूध को रख दे तब चले। तो दूध मैंने रख दिया है, मैंने मेहंदी भिगोया हुआ है, पहले बाल धुल लिया है, अपना बाल मतलब हेयर वॉश अच्छे तरीके से कर लिया है। चलिए चलिए देखिए, आइए दिखाते हैं। देखिए मम्मी के शर्तानुसार मैंने दूध को रख दिया, तब ये यहाँ पर आई हैं। देखिए देखिए ताप रहे हैं, ठंडी बहुत लग रही है, देख रहे हैं हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है काफी दिनों से, एकदम मौसम एकदम बहुत ही ठंडा है भैया, धुआं लग रहा है हमारी आँख में। देखिए इनकी सांस इनको बहुत मोहक है, बस करिए बस करिए, आप देख सकते हैं ये फूक रही है ताकि ये जल जाए, ये जल गया जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद मंजू जी ने जला दिया आखिरकार। मंजू जी ये पीहुर रे, कड़ी मशक्कत के बाद बाय बाय, तो मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। नमस्कार दोस्तों, नई उम्मीद नए विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा सुहानी जो आई थी आई किचन में, तो पहले उसने स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी बहनों के लिए शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट जिन भाइयों की जो प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए भी है ये चीज़, थोड़ा सा ट्राई करूँगी फर्स्ट बार इस चीज़ को जो है, देखिए क्या रिस्पॉन्स होता है इसका, मतलब अगर अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से शेयर कर सकती हूँ जो है। तो क्या होता है ना कि हम अपने चेहरे के साथ साथ अपने पैर को अपने हाथ को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बहनों की एड़ियाँ बहुत ही सुंदर रहती हैं तो हमें देख करके लालच आती है कि हमारे पैर क्यों फटे फटे से हैं, क्यों अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसी को जो है ठीक करने के लिए मैं उसका ट्राई करने जा रही हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोग भी ट्राई करिएगा। मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलना है मुझे, अब क्या रिस्पॉन्स होगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया है यानी कि मेरी मम्मी संगीता माँ ने बोला कि ये चीज़ मैं ट्राई की हूँ बेटा और अच्छा इसका रिजल्ट है, आप जो ट्राई करो, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करने जा ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, देखो ये है कढ़ाई, हमने रखा हुआ चूल्हे पर, गर्म होगी धीरे धीरे, और जब तक मैं ये देखिए एलोवेरा लेके आई है बिटिया हमारी, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के छील लूँगी जो है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मेरा बस मोमबत्ती तो दो ही है, मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, देखिए क्या होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से छीले में वो दिक्कत होगी थोड़ा सावधान से क्योंकि फिसलता बहुत है ये, और इसको जो है बारीक आपको गूँथ लेना है, तो मैं इसे मिक्सर में गूँथूँगी, सारे छील लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, जब तक ये तेल गर्म होगा ना, इतना तेल डाल रही हूँ, और तब तक मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। वैसे अगर आपके पास नहीं है बारीक करने वाला तो आप इसे छोटे टुकड़ों में भी जो है कर सकते हैं। देखिए तो कुछ इस तरीके से मैं इसका पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। देखिए हमने इसका पेस्ट जो है तैयार कर लिया हुआ, अच्छे से पीस लिया है, और यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, मतलब ये नारियल का तेल है, इसको देखिए पानी में गर्म किया हुआ है हमने जो है, नहीं तो ये एकदम जम गया था इतना। तो मोमबत्ती घर पे नहीं थी, दो थी छोटी वाली, इसी को ट्राई कर रहे हैं डाल के, देखते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सरसों का तेल और नारियल का तेल और मोमबत्ती जो है एकदम मिक्स हो चुकी है इसमें अच्छे से, ये है मोमबत्ती में जो धागा लगा रहता है, अब हम इसको डालेंगे। तो ध्यान रहे आपको सावधानी बहुत बरतना है, आपको दूर से ही इसको डालना है, नहीं तो फटकेगा तो आपकी आंखों पर या कहीं भी जाके लग सकता है और आप जल सकते हैं, तो इसकी वजह से मैं पहले बता रहा हूँ काफी सावधान रहना, आपको दूर से ही इसको अच्छे से डाल के गैस का फ्लेम जो है आपको लो कर देना है, धीमी आंच पर, काफी तरीके से फटक रहा है हाथ पर, हल्के चीटे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप करीब में बैठे रहो और आपके मुंह या आंखों पर ये चला जाए तो सही नहीं रहेगा आपके लिए, नहीं तो एक जगह का फायदा दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा। तो चलिए जब तक ये पक रहा है थोड़ी देर, पक जाए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पक रहा है, मैं काफी दूर बैठी, कुछ चलाना है बराबर आपको,
ये कैसे पक रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको काफ़ी मतलब धीमी आंच पर पकाना है आपको, इसको अच्छे से मत देना है ताकि इसमें सब मिक्स हो जाए अच्छे से बढ़िया से। मिलते हैं आप लोगों थोड़ी देर में जब तक तैयार हो जाता है। हाय जीवान, देखिए ना बनके तैयार हो गया है अच्छी तरीके से। मतलब अगर आप ज़्यादा बनाते हो ना, इसको छान देना है गर्म ही और इसको निकाल देना है। मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, पहले फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं दोबारा अच्छी तरीके से बना के शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो है ये नहीं है कि आप एक दिन लगा लेते हो दूसरे दिन ना लगाओ, इसको सुबह स्नान करने के बाद जो है एक बार लगा लेना है आपको अपने पैर में, और अच्छे से धूल में ना रहो पानी में। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप लगाए और धूल मिट्टी में लपेटने चले गए तो मिट्टी और भी जम जाएगी आपके पैरों में जो है। और रात को सोते समय सोने से कुछ टाइम पहले लगा लो, वैसे भी बिस्तर में लग जाएगा। और ये देखिए मैं आपको लगा के बताती हूँ, अभी थोड़ा गर्म है, जम जाएगा, जम रहा है। देखिए ये देख रहे हैं ना, पानी मतलब ठंडा है पैर इसकी वजह से। बस तो आपको इस तरीके से अपने पूरे पैर में लगाना है। यहाँ पर देखिए इसका तो ठीक है, फिर भी बोल रही मेरे पे एक्सपेरिमेंट ट्राई करो यार। आपको दिखा दे मेरी एड़ी इतनी ज़्यादा फटी हुई है मैं क्या बताऊँ। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है जो है, अगर सही रहा तो दोबारा भी बनाएंगे लगाने के लिए अपने पैर में। वैसे भी मेरा मतलब नहीं फटता, यहीं फट जाता है। तो चलिए बना के दिखा दिए हैं, एलोवेरा और नारियल का तेल है इसमें, सब कुछ देख लिया आप लोगों ने। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो और ये चीज़ ट्राई करने का तरीका यानी पैरों को अपने सुंदर बनाने का तरीका का पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार इसका ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक 11 लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मैं मंजू तिवारी हंसते मुस्कुराते आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।